मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका कहां से लगा? विदिशा से। कांग्रेस के पूर्व विधायक शशांक भार्गव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। शशांक भार्गव विदिशा लोकसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार माने जा रहे थे। वहीं भार्गव पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुरेश पचौरी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शामिल वो हुए और उनके साथ विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, तेंदुखेड़ा के कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शामिल वो हो गए हैं। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो भी मित्रगण कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं उनका मान सम्मान होगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा कि विदिशा की पूरी जो कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी परिवार में सम्मिलित होने वाले सभी कांग्रेसियों का स्वागत करते हैं। इसके बाद शशांक भार्गव ने कहा कि मेरे गुरु सुरेश पचौरी ने मुझे बीजेपी ज्वाइन करवाई है, मुझे आदेश दिया तो वो बीजेपी में आ गए। हम सब मिलकर आश्वस्त करेंगे कि जो भी मित्रगण आ रहे हैं आपके मान सम्मान का भी पूरा ध्यान रखेंगे, सरकार में आपके साथ आपके विचारों का भी ध्यान रखेंगे और विकास के मामले में आपके सदैव अच्छे विचारों का तवज्जो दे करके जो मध्य प्रदेश के लिए बेहतर होगा उस सब के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो आज मैं शशांक भार्गव जी की सदस्यता जो ग्रहण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की है तो केवल कांग्रेस के पदाधिकारी या कांग्रेस का चुनाव लड़ने मात्र इतने तक सीमित नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि विदिशा में कांग्रेस थी तो शशांक भार्गव ही कांग्रेस थी। पचौरी जी के साथ कई वर्षों से ये मित्र काम करते रहे और जनसेवा में लगे रहे। आज उन सबका हृदय से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और आगामी लोकसभा चुनाव में जो आज हमारे मंच से प्रण लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये प्रण लिया है कि माननीय शिवराज जी को 10 लाख से अधिक वोटों से जिताना है। उस प्रण को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूर्ण आहुति दूंगा।